हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं और कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। रीजनिंग हमारी लॉजिकल थिंकिंग है, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग है और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थॉट है। रीजनिंग डिफाइन एज अकॉर्डिंग टू गैरेट के अनुसार रीजनिंग इज अ स्टेप वाइज थिंकिंग विद पर्पज और गोल इन माइंड। जो भी पर्पज है, जो भी गोल है हमारे माइंड में, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग होती है रीजनिंग। एक गैरेट के अनुसार है, मीन्स अभी हमारे माइंड में क्या पर्पज है, हमारा नेट जीआरएफ क्लियर हो जाए तो उसके लिए हम सिक्स मंथ से ही प्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? प्लानिंग। देन हम टाइम टेबल बनाएंगे, देन हम बुक सर्च करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग है। गिलोटी के अकॉर्डिंग 1989, रीजनिंग इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटी दैट ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रीच अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन। गिलोटी के अनुसार क्या है? एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, एक्टिविटी है जो कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। मेंटल एक्टिविटी जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेगी एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन तक पहुंचने तक। स्टेप्स इन रीजनिंग, फर्स्ट क्या है, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देन हम हाइपोथेसिस बनाएंगे अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्या क्या सॉल्यूशन है, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। देन हम सेलेक्ट करेंगे, सर्टेन रिस्पॉन्सेज आर सेलेक्टेड एंड ट्राई आउट सॉल्यूशन अटेम्प्ट। जो भी हमने रिस्पॉन्स सेलेक्ट करे हैं वो हमारे सॉल्यूशन के लिए वैलिड है या नहीं है। फाइनल वैलिडेशन और चेक, जो भी हमने कॉग्निटिव एक्टिविटीज अप्लाई करी हैं वो वैलिड हैं हमारे सॉल्यूशन के लिए या नहीं है, वो सब चेक करेंगे। अब टाइप्स ऑफ रीजनिंग, फर्स्ट क्या हुआ हमारा फॉर्मल रीजनिंग। ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड एंड प्रॉब्लम टू बी सॉल्व इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रमाइस, ऑल पीपल हु लव्स चॉकलेट आर एक्सट्रीमली काइंड। जो भी जिनको चॉकलेट अच्छी लगती है वो बहुत दयालु होते हैं। सेकंड क्या है? राम लव्स चॉकलेट, राम को अच्छी लगती है चॉकलेट। कंक्लूजन क्या हुआ? राम इज एक्सट्रीमली काइंड, राम एक बहुत ही दयालु इंसान है। एवरीडे रीजनिंग, एवरीडे रीजनिंग में क्या इंक्लूड होगा? जो भी हमारी प्लानिंग है, जो भी हमारे कमिटमेंट्स हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी इवेल्युएटिंग है, ये हमारे एवरीडे रीजनिंग में आएंगे। सो फर्स्ट हमारा था फॉर्मल रीजनिंग, देन एवरीडे रीजनिंग, देन डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक। एग्जाम्पल क्या है? ऑल मैन आर मोर्टल, सभी आदमी मोर्टल हैं। तो सोक्रेट इज अ मैन, सोक्रेट आदमी है, देयरफॉर सोक्रेट इज मोर्टल। मीन्स यूनिवर्सल टू जनरल, यूनिवर्सल टू स्पेसिफिक, ये यूनिवर्सल टू इंडिविजुअल होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। सिलोगम्स, मेथड ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, ये मेथड है हमारे डिडक्टिव रीजनिंग के, जिसमें टू प्रमाइसेस जो कि ट्रू हों, अगर ट्रू हुई तो हमारा सॉल्यूशन कंक्लूजन करेक्ट होगा। अब हमारा इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? पर्टिकुलर टू जर्नल, मीन्स इंडिविजुअल के बाद हमारा यूनिवर्सल होगा। मीन्स राहुल इज मोर्टल, रोहित इज मोर्टल, देन हम कंक्लूड करेंगे यूनिवर्सली ऑल मैन आर मोर्टल। डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। इंडक्टिव क्या होगी? स्पेसिफिक टू जनरल कंक्लूजन। जो हमारी डिडक्टिव रीजनिंग है वो बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है उन पे बेस्ड करेगी। इंडक्टिव हमारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड करेगी। यहाँ पे हम जो भी बेसिक असम्पशन लेते हैं वो ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं होता। और जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो साइंटिफिक रीजनिंग है, क्योंकि वो हमारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। एनालॉगी इज अनदर फॉर्म ऑफ रीजनिंग। मीन्स एनालॉगी में क्या होता है कि रिलेशनशिप देखते हैं। वॉटर का फिश के साथ है तो हमारा एयर का ह्यूमन के साथ होगा, लाइक दिस। अब एरर्स इन रीजनिंग, फर्स्ट क्या है? हंचेस, ये इम्परफेक्ट इनसाइट होती हैं, लाइक इंट्यूशंस के जैसे होते हैं हंचेस, जो कि इनकरेक्ट हो सकती हैं। मीन्स हंचेस मीन्स एग्जाम्पल लाइक आई हैड अ फीलिंग
आई गॉट फर्स्ट पोजिशन इन क्लास. नेक्स्ट क्या है, विशफुल थिंकिंग एंड रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन क्या होता है, एक फेस सेविंग मेथड होता है जिसमें कि हम अपने आप को सच्चा साबित करते रहते हैं, ना कि सत्य तथ्यों को देखते हैं. एम्बिगुअस यूज ऑफ वर्ड, लाइक इमोशनली टोन में हम वर्ड्स को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं. फेलेसी ऑफ द सिंगल केस. फेलेसी ऑफ सिंगल केस में क्या होगा कि किसी ने, सिंगल पर्सन ने हमारे साथ चीट किया, तो हम उस पूरे, जो भी जिस भी ग्रुप का वो पर्सन है, उस पूरे ग्रुप को ही ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो सारा ग्रुप ही हमारे अकॉर्डिंग चीट करेगा हमारे साथ. देन कन्फर्मेशन बायस. देन ओवरसाइट बायसनेस में क्या होता है कि हम इन्फॉर्मेशन को ज्यादा ध्यानपूर्वक देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको. हाइंडसाइट क्या होता है, हम सोचते हैं कि कोई इवेंट होने वाला है, बाद में हमें पता चलता है कि वो इवेंट तो हो चुका है. क्वेश्चंस हैं पास्ट प्रीवियस ईयर्स के. तो फर्स्ट क्या था हमारा, एक डेफिनेशन ही थी. रीजनिंग क्या है, रीजनिंग मेंटल एक्टिविटी है इन विच वी ट्रांसफर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रीच द कंक्लूजन. ये हमारी रीजनिंग की डेफिनेशन है, क्योंकि एक मेंटल एक्टिविटी हुई जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास अवेलेबल, उसको एक सॉल्यूशन तक और कंक्लूजन तक. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा, डेवलपिंग अ जनरल प्रिंसिपल. हम जनरल प्रिंसिपल डेवलप करेंगे, जैसे कि ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं हम इसमें. डिडक्टिव रीजनिंग क्या हुई, यूजिंग प्रिंसिपल फॉर कंक्लूजन. जो भी जनरलाइज्ड प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. इन रीजनिंग व्हेन द प्रमाइसेस आर ट्रू डैश कैन नॉट बी फॉल्स. मीन्स अगर रीजनिंग में हमारे प्रमाइसेस सही हैं, ट्रू हैं, तो हमारा कंक्लूजन फॉल्स नहीं होगा. डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग रेफर्स टू. डिडक्टिव रीजनिंग क्या हुई, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, और इंडक्टिव रीजनिंग क्या हुई, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल. एनालॉजिकल रीजनिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस. इसमें रिट्रीवल होता है, मैपिंग, इवेल्युएशन, एब्स्ट्रैक्शन, प्रिडिक्शन, एब्स्ट्रैक्शन. सॉरी, दिस एब्स्ट्रैक्शन इज नॉट इंक्लूड, इट्स इन द लास्ट पॉइंट. ये हमारे लास्ट पॉइंट में होगा. और ये दिया था डीडर गेंटर इन 1982. एनालॉजिकल रीजनिंग में हम यूज करते हैं मीन एंड एनालिसिस. डिडक्टिव रीजनिंग में हम ड्रॉ करते हैं वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम प्रमाइसेस. इंडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं, यूजिंग इंटरफेरेंस टू ऐड नॉलेज. यहाँ पे हमारा साइंटिफिक नॉलेज है. फिजिकल रीजनिंग क्या हुई, processes that allow to make prediction about events and object. जहाँ पे हम predict कर सकते हैं कौन सा event होना है, कौन सा object कहाँ हो सकता है. Thanks for watching the video.